हेलो क्वींस, वेलकम टू साया कलेक्शन। मेरी रसोई में आज क्वींस हम लोग जो है आइसक्रीम बनाएंगे घर में, और वो भी बहुत फास्ट, बहुत क्विक, बहुत कम सामान से। ये देखिए मैंने एक चढ़ा दिया है फ्राई पैन या भगोना, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसमें मैं 2 कप दूध डालूंगी। ये ऑलमोस्ट मेरा 3 कप है, और इसमें हमको कुछ ज़्यादा सामान नहीं चाहिए। ये डाल लिया है, और देखिए अरारोट लिया है। अभी और सामान बाद में बताऊंगी, पहले इसको दूध को हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं, और एक उबाल आने देंगे इसमें। और इसमें हमें शुगर भी चाहिए होगा, और वेनीला एसेंस भी चाहिए। आप जिस भी चीज़ का बनाना चाहेंगे ये बेसिक हम तैयार कर लेंगे। एक जैसे आपको याद हो क्वींस, बचपन में मम्मी लोग आइसक्रीम कुल्फ़ी खिलाती थी हम लोगों को बना के घर में, तो वो अरारोट से ही गाढ़ा कर लिया जाता था। और आजकल अभी हम लोग उसको निकाल के दोबारा मिक्सी से ब्लेंड करते हैं और फिर दोबारा जमाते हैं। पहले तो ये सब कुछ नहीं होता था, और बस उसमें ज़रा सी मेवा डाल दी जाती थी, इलायची, और हम लोग सब खुश धमा चौकड़ी करते हुए पूरी की पूरी कुल्फी पेट के अंदर। तो चलिए ये हम लोग दूध में उबाल लाने देते हैं एक बार। ये देखिए क्वींस, ये हमारा दूध जो है, ये देखिए गर्म हो गए। अब इसी टाइम पे हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ी सी अपने हिसाब से चीनी मिला देंगे। ये 3 कप है मेरे पास, तो इसमें ऑलमोस्ट मैं, हम लोग थोड़ा कम मीठा खाते हैं, तो मैं ये आधी कटोरी इसमें चीनी डालूंगी। आप अपने हिसाब से भी शुगर ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं दूध में उबाल आ चुका है, और इसमें क्वींस आप चाहे फुल फैट दूध लीजिए, चाहे आप कम फैट वाला, कम क्रीम वाला दूध लीजिए। देखिए मेरे यहाँ तो आज टोंड मिल्क है, और मैं उसी से बना रही हूँ। ये देखिए अपनी चीनी भी ऑलमोस्ट होगी। इधर मैंने अरारोट को थोड़ा सा दूध डाल के घोल लिया, और अरारोट डालने के बाद क्वींस हम लोग इसको चलाते ही रहेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी लम्स पड़ जाते हैं अपने। ये देखिए ये हमने डाला, और इसको हम बस तुरंत चलाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं हम लोग एक मिनट भी। देखिए और जो भी क्वींस हमारी किचन में बनता है वो सब मैं खुद बनाती हूँ, और हम सब लोग मिलके एंजॉय करते हुए खाते हैं उसको, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ, यकीन मानिए क्वींस, आपको भी ये सब बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए देखिए अरारोट डालते ही हमारा जो है, देखिए दूध ठीक होने लगा। इसको अभी थोड़ा हम और चलाएंगे। देखिए क्वींस ये हमारा, इसमें मैं एक रेशियो आपको बताती हूँ कि अगर 1 कप दूध लेना है तो 1 चम्मच अरारोट होना चाहिए हमारा। ये देखिए हमारा हो गया, ये हमारा डन हो गया है। बस मैं 2 मिनट और इसको चला लेती हूँ लगातार, लेकिन इसको चलाती रहिएगा। देखिए क्या क्रीमी है, ये देखिए एकदम कितना है ना क्रीमी क्रीमी अपना। ये देखिए ये देखिए बस ये हो गया। इसको मैंने गैस बंद कर दिया, अब इसको ठंडा होने के लिए हम लोग रखते हैं। ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसको हम दिखाते हैं कि कैसे फ्रीजर में लगाना है हमें। देखिए क्वींस ये अपना ठंडा हो चुका है, ये देखिए ये ठंडा हो गया हमारा। अब हम इसको अपने जार में पलट के जो है, ये देखिए क्वींस, ठीक है ये हम इसको सेट कर लेते हैं। और इस पे पहले हम फॉइल पेपर लगा के फिर इसका ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे एयर टाइट, और इसको कम से कम हम जो है 3 से 4 घंटे तक फ्रीज़र में रख देंगे। ये देखिए ये हम फ्रीज़र में रख देंगे 4 घंटे। ये हमने अपनी 3 घंटे के बाद निकाली है, और ये देखिए अपनी, अब इसको हम जो है, ये हमारा बेसिक तैयार होके रखा है,
अब हमने ये आम का पल्प निकाल लिया है यहाँ पे मैंगो का, ये देखिए। अब हम इसको मैंगो की बनाएंगे। आज हम आधी यूज करेंगे, आधी को कल हम वेनिला आइसक्रीम में यूज करेंगे। ये देखिए, ये मैंने आज आधा लिया है और ये इसी में हम मिला लेंगे क्वींस 2 चम्मच मलाई अपनी। और अगर आपके पास मलाई नहीं है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मलाई नहीं है तो कैसे होगा। ये मलाई मलाई, और इसी में हमें मैंगो फ्लेवर देना है तो मैंगो का पल्प मिला लेंगे हम, और इसमें हम बीटर चलाएंगे। और बीटर बहुत ज्यादा नहीं चलाना है, बस देखिए मैं आपको बताती हूँ, बस देखिए, बस ऐसे ही, क्योंकि अगर आप बहुत तेजी से चला देंगे तो वो बटर जैसा ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, ये अपना एक फाइन तैयार हो गया। ये देखिए, अब इसको हम अपने मोल्ड में डाल लेंगे। इसको फिर से हम फॉइल पेपर से ढक देंगे। अब इसको हम पूरी एक रात के लिए फ्रिज में रख देंगे। ऐसे ही देखिए हम दूसरी भी तैयार कर लेते हैं वेनिला की। ये देखिए, हमने 1 चम्मच इसमें मलाई ली है और ये हम पूरा अपना बेस डाल ले रहे हैं और इसी में वेनिला एसेंस अभी डाल लेंगे। देखिए, ये आधी में हमने वेनिला एसेंस अपना डाल दिया है। देखिए क्वींस, ये हमारी वेनिला की 2 रेडी हो गई। अब हम इनको भी रख देते हैं और सुबह निकाल के इसको चेक करेंगे। हमारी ये जम गई है, अब हम इसको निकाल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी जमी है अपनी। ये देखिए, हम निकाल के दिखाती हूँ मैं एक। ये देखिए क्वींस, ये हमारी वेनिला वाली है। देखिए आप, एकदम आइसक्रीम जैसी बिल्कुल ही जमी है, एकदम सॉफ्ट है ये। और ये हमारी मैंगो की, देखिए ये देखिए, ये देखिए। और इसको मैं, ये देखिए, इसमें नाइफ देखिए कितनी ईजली जा रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए कितनी ईजली, ये देखिए अपनी एकदम क्रीमी आइसक्रीम बनी है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर, देखिए क्वींस, ये हमारी बन के रेडी है आइसक्रीम। आप इसका बेसिक बना लीजिए, जैसा मैंने बताया है, 1 कप दूध पे 1 कप अरारोट, तो आपकी हमेशा वो बेसिक आप बना के क्वींस उसको फ्रीजर में रख लीजिए। और जैसे ही कोई आए, आपको कभी भी कोई भी आइसक्रीम खाने का मन हो, आप 10-15 दिन के लिए वो बेसिक रख सकते हैं। बस आपने वो बेसिक निकालना है और जो चीज़ मन हो वो ऐड कर लेनी है उसमें, बस वही आइसक्रीम आपकी बिल्कुल बनके रेडी। और ये आइसक्रीम इतनी जल्दी बनती है, आप इसको जब लास्ट मोमेंट पे जमाएंगे, कुछ भी एसेंस डाल के, मैंगो चॉकलेट कुछ भी है आप डाल के जमाएंगे, तो हार्डली 4-5 आवर में वो आपकी आइसक्रीम खाने लायक जम जाएगी। तो प्लीज़ क्वींस, ट्राई ज़रूर करिए। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।